तहसील पौनी के बांबला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में रात को एक दुकान में आग लगी, जिसमें रखा सारा सामान जल के राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, दुकानदार का जो मालिक है उनका नाम कपिल शर्मा है और रहने वाले भगोती जागीर बांबला के हैं, और इन्होंने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया और इन्होंने पूरी जानकारी जो है वो दी है। वो कहते हैं कि हम घर पे सोए हुए थे, रात को करीब 12:30 बजे लोगों ने हमें बताया कि जो आपकी दुकान है वो उसमें आग लगी हुई है, और जब ये बाहर देखते हैं तो पूरी जो दुकान में सामान रखा हुआ है वो जल के राख हो गया है। अफरा तफरी में जब लोग जो वहाँ पे पहुँचते हैं तो सिवाय खड़े होकर तमाशा देखने का वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आग इतनी भयानक लगी हुई थी तो पूरी जो दुकान है वो जल के राख हो चुकी थी। जो उनके साथ लगा शटर है वो भी आग के कारण बिल्कुल लाल हो चुका था। तो आपको बता दें, आनन फानन की स्थिति में जो भी कुछ ये लोग कर नहीं सके और पूरी दुकान जो है वो जल के, उसमें जो रखा सामान है वो जल के राख हो गया। और आपको बता दें, इनका कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से जहाँ पे पौनी ब्लॉक में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजाम कर दिया जाए तो ऐसी वैसी आपातकाल स्थिति में ये गाड़ी जो है वो जो वहाँ पे पहुँचे और जो नुकसान जो लोगों का होता है वो कम हो सकता है, क्योंकि अगर रियासी से बांबला की तरफ इस गाड़ी को आना हो तो कम से कम लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है और ये सफ़र तय करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो आपको बता दें, पौनी ब्लॉक 23 पंचायतें हैं जहाँ पे, और ऐसी स्थिति में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो पौनी ब्लॉक में होनी चाहिए, ऐसी ये लोग मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें, पौनी जो है वो ब्लॉक है जहाँ पे एक गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि कुछ ऐसी वैसी स्थिति जो है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। हो सकता है अगर फायर ब्रिगेड की जहाँ पे गाड़ी पौनी में ही होती तो 1/2 घंटे 1.25 घंटे तक ये बांबला में पहुँच सकती थी, और जो रखा दुकान में सामान था ये बेचारे का वो शायद कुछ बच पाता। तो इनका ये कहना है कि हमारा सामान तो जो जला वो जला, लेकिन आगे की जो अपील रहेगी वो ये रहेगी कि पौनी ब्लॉक में कम से कम एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो जरूर रहनी चाहिए, कुछ ऐसी वैसी स्थिति हो जाए तो ये आग पे ये काबू पा सकते हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड यहाँ पे पौनी में नहीं है और ये रियासी से आती है गाड़ी, और रियासी से बांबला की तरफ जाना हो लगभग 1.5 से 1.25 घंटे लगेगा, और पौनी में भी ऐसी कई बार स्थिति आपको बता दें हो जाती है कि आग का कोई पता नहीं चलता, कहीं भी आग लग सकती है। और उस कारण लोगों ने ये अपील की है प्रशासन से और नेतागण से कि ताकि ये ऐसी वैसी कोई स्थिति हो तो आप जरूर ये एक मांग कर सकते हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो पौनी में जरूर होनी चाहिए, और इन बेचारों का जो नुकसान हुआ है वो तो चलो हुआ है, अब ये पता लगा रही है पुलिस की आग जो लगी है वो किन कारणों से लगी है।